हाँ तो मैं रिकमेंड करूँ दोस्तों, से कुछ परचेज करना चाह रहे थे ऐसे कम प्राइस में, तो आपसे परचेज कर सकते हैं। बैटरी लॉन्ग चलेगा और साउंड भी ठीक ठाक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनोज वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक का वास्तव। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग रिव्यू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज साल का पहला दिन है, बोले तो 1 जनवरी आज के दिन। बस दोस्तों आप सभी को इतना बोलना चाहूंगा कि आप सभी का मनोकामना भगवान पूरी करे, जो भी आप सोचे होंगे इस साल करना या फिर कर रहे होंगे, और आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और मस्त रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में और फालतू बातें नहीं करेंगे, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों TWS ईयरबड का। दोस्तों ये है वो ईयरबड जो कि सोनी लेक्स कंपनी की तरफ से आता है। देख सकते हैं बॉक्स में आगे से कुछ दिखाया गया, साइड से कुछ दिखाया गया, पीछे से कुछ इस तरह से दिखाया गया है। इसी बारे में बताएंगे दोस्तों सभी को, इसलिए जेड तक बोले तो क्या खास बातें हैं, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कहाँ दे सकते हैं, क्यों रहना चाहिए, क्यों नहीं, आपके काम का है या नहीं, सारी जानकारी वीडियो में देंगे। दोस्तों ऐसे कुछ लेना चाह रहे थे अपने पर्सनल यूज के लिए अच्छा सा ईयरबड जो TWS हो, जो कि दिखने में अच्छा खासा, बैटरी बैकअप खास करके अच्छा रहता हो, साउंड क्वालिटी अच्छा हो, ऐसे कुछ लेना चाह रहे थे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहे ताकि लास्ट में पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सोनी लेक्स कंपनी तरफ से जो आता है ईयरबड्स आपके काम का है, आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में फालतू बातें बिल्कुल नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने पहले दोस्तों ये बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, लगे जानकारी दूसरों तक जाना चाहिए तो सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको सवाल और सुझाव दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों बहुत हो गया फालतू बातें, देखते हैं फाइनली खोल। तो ये है दोस्तों सोनी लेक्स कंपनी की तरफ से आने वाला है TWS ईयरबड। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया हुआ देख पा रहे होंगे SLBT 209, ईयर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ बड़ा सा ब्रांडिंग किया हुआ है सोनी लेक्स का। साइड से दिया हुआ दोस्तों ट्रू वायरलेस ईयरबड यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे से भी इस तरह से कुछ दिखाया गया है, बोले तो बहुत सारा लंबा चौड़ा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। फिर बता दो दोस्तों मेन मेन जो हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ हाई क्वालिटी माइक्रोफोन, बोले तो ये आवाज कॉल वगैरह हम बात करेंगे तो बहुत क्लियर आवाज आएगा। हाई फाई साउंड यहाँ पे दिया हुआ है, सुपर बेस भी लिखा हुआ है, क्विक कनेक्ट भी दिया हुआ है, बहुत जल्दी फास्ट कनेक्ट हो जाएगा, लाइट वेट है, इसका डिजाइनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन बोर्ड कंट्रोल भी यहाँ पे दिया हुआ है, वायरलेस वर्जन मिल जाता है 5.0 जो कि अच्छी बात का। प्राइस दिया हुआ है 1499 रुपये जो कि इसका इतना है नहीं, हम आपको लास्ट में बताएंगे इसका ऑनलाइन ऑफलाइन कितना प्राइस पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसमें ज़्यादा फालतू बातें बिल्कुल नहीं करते, बैट खोलते हैं फिर देखते हैं क्या कैसा है, ठीक है। तो खोलने के लिए करना कुछ है दोस्तों, इस तरह से कुछ जंग लगे लगे कटर का इस्तेमाल करेंगे अपन। तो इस तरह से करके डब्बा में दोस्तों मिलता है, ये रेड कलर का डब्बा है जो कि निकालने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, दोनों तरफ फाड़ना पड़ा था, जाके निकला, इसको रख लेते हैं साइड में, इसको भी निकाल लेते हैं दोस्तों, और इसके अंदर कुछ नहीं मिलता, इसको रख लेते हैं साइड में। ये है हमारा TWS ईयरबड जो कि साफ साफ सोनी लेक्स लिखा हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ स्टिक कलर का दिया हुआ है कुछ डिजाइनिंग, और इस तरह से कोई ढक्कन मिल जाता है, इनको पहले से निकल निकाल लेते हैं और ये इस तरह से निकल जाता है। तो अब इससे क्वालिटी के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस तरह से क्वालिटी का मिल जाता है, पीछे कुछ तरह पन्नी लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, चार्जिंग वाला जिससे कि चार्ज ना हो बोल के, इसको निकाल कर अपना अभी गाना सुनेंगे। और ज़्यादा बड़ा नहीं दोस्तों, बता दूँ आपसे कितना बड़ा है, तो ये देख पा रहे हैं मेरा जो उंगली है इसका इतना बड़ा आ रहा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, जो दिखने में खूबसूरत ही दिखेगा। बटन दिया हुआ देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पे हॉल दिया हुआ छोटू सा, शायद ये माइक्रोफोन का काम करेगा, और इस तरह से कुछ डिजाइनिंग का है, अब देख पा रहे होंगे इस तरह देख पा रहे होंगे इस तरह से कुछ है, और कुछ तो नहीं है, बस ठीक है जो है, बस बहुत लाइट वेट है। और दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे दिखा हुआ दे रहा है आपको चार्जिंग स्लॉट, ये बहुत बुरी बात लगा हमको इसलिए दोस्तों कि आईफोन का दिया हुआ है, यहाँ दोस्तों ना ये Type 2 लगेगा ना Type C लगेगा, ये लगेगा आपका आईफोन में जो लगता है केबल वो वाला लगेगा, जो कि आपको इससे शायद कैरी करना पड़ेगा इसका केबल, क्योंकि हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगा नहीं ये वाला, इसका दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है क्योंकि इसका केबल हमेशा आपको कैरी करना पड़ेगा अगर आप कहीं जाते हैं बाहर वगैरह। तो दोस्तों इसको शायद दिया होगा, शायद देख लेते हैं बॉक्स हम चेक नहीं किया अच्छी तरह से, तो जी हाँ दोस्तों बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, इसको मैं चेक नहीं किया था, ये केबल देख पा रहा होंगे आईफोन की तरह है, आईफोन की तरह का दोस्तों आईफोन का ही है जो कि लगता है केबल इस तरह से, ये देख पा रहे हो लग गया इजली परफेक्ट। तो इसको दोस्तों आपको हमेशा कनेक्टर या फिर इसे क्यों इसी को ही लेके चलना पड़ेगा हमेशा आपको, ये थोड़ा सा हमको डिसएडवांटेज लगा क्योंकि इसको हमेशा कैरी करना पड़ेगा, ये इसमें कुछ दूसरा कुछ चार्जर लगता जैसे Type C वगैरह तो आपको कैरी नहीं करना पड़ता कि हर जगह अवेलेबल मिल जाता, लेकिन ये हर जगह आईफोन वाला अवेलेबल नहीं रखता है, तो इसके लिए आपको लेके चलना पड़ेगा, इसको रख लेते हैं साइड में। और चलिए अपन इसे कर लेते हैं पहले ऑन,
और फिर इसका साउंड क्वालिटी सुनते हैं और आपको बताते हैं आपको इसे परचेस करना चाहिए ना। तो ठीक है, ऑन करने के लिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बटन दिया हुआ है, हल्लू से प्रेस किए रहने का, ये देख पा रहे हैं ऑन हो गया और कुछ बोला हमको ऑन होके, आप लोग सुनाई नहीं दिया होगा, ये ऑन हो गया। इसको भी ऑन कर लेते हैं हल्लू हल्लू करके। तो दोस्तों ये भी दोनों ऑन हो गया, आप देख पा रहे होंगे दोनों लाइट ब्लिंक कर रहा। अब चलिए सर साउंड क्वालिटी सुन लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, से आवाज़ वगैरह सुनने, गाना वगैरह सुनने के लिए आप सभी को सुना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही मोबाइल है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ अभी। तो अगर मैं गाना वगैरह सुनूंगा तो यही मोबाइल सुनूंगा तो आप सभी बता नहीं सकता, लेकिन पहले से मैं सुन लेता हूँ, फिर आपको इसका रियलिटी बताऊंगा आपसे परचेस करना चाहिए ना। ठीक है, कान किस तरह बैठ रहा था, क्या कैसा था, क्या क्वालिटी था, आवाज़ कैसा आता है, सब कुछ चेक कर लेता हूं दोस्तों, कॉल वगैरह हम बात करके गाना वगैरह सुन के उसके आप सभी को फिर रिजल्ट देता हूं इसको कि आपको परचेस करना चाहिए नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने गाना वगैरह सुना, कॉल वगैरह हम बात किया, तो दोस्तों उस तरह से कुछ बेस ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से क्वालिटी, जिस तरह का प्राइस है, उस तरह से इसका साउंड क्वालिटी मीडियम है, ठीक ठाक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जहां तक बैटरी बैकअप की बात है दोस्तों, जहां पे बैटरी इसका चलेगा कम से कम 8 से 10 घंटा तक, क्योंकि 15-20 मिनट में मैं गाना सुना, मात्र 3% खिसका इसका, तो बैटरी आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। और जहां तक इसका बात रहेगा दोस्तों साउंड क्वालिटी का, तो साउंड बहुत ज्यादा बेस नहीं है, जैसे बड़े बड़े कंपनियां वाला का रहता है, जैसे कि आईफोन वगैरह उसका साउंड नहीं था, लेकिन दोस्तों प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही था। और दोस्तों कॉलिंग की बात करूं तो कॉलिंग में बात अच्छा आ रहा था, क्लियर आवाज आ रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हो रहा था, उसमें मैं बात किया और गाने भी सुना। तो मैं रिकमेंड करूं दोस्तों, कुछ परचेस करना चाह रहे थे इसे कम प्राइस में, तो आपसे परचेस कर सकते हैं, बैटरी लॉन्ग चलेगा और साउंड भी ठीक ठाक है, और इस तरह से बहुत ज़्यादा बेस नहीं, लेकिन ठीक है, काम चलने लायक ठीक है। अब बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेस सुनना चाहते हैं, तो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन ठीक ठाक ही था, बस ये बोल सकता हूँ जिस तरह इसका प्राइस है और जिस तरह इसका क्वालिटी है। तो दोस्तों बता दो इसका ऑफलाइन ऑनलाइन कितना प्राइस पड़ेगा, ये ऑफलाइन पड़ जाएगा दोस्तों आपको 400 से 450 तक मिल जाएगा ऑफलाइन, इसी को ऑनलाइन लीजिएगा दोस्तों तो ये 500 लेकर 550 रुपये तक लग सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें भी ये परफेक्ट है, बस बहुत ज़्यादा डीजे की तरह वो साउंड एक्सेप्ट मत कीजिएगा, बाकी मीडियम सब ठीक ठाक है। तो यही था दोस्तों आप सभी को बताना इस ईयरबड के बारे में, तो जो कि मैंने बता दिया, अब आप चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी। यही था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो चलेगी थोड़ी चलेगा, हमारे वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।